फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नितिन टेक दुबाड़ी में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप प्रिंट कैसे करवा सकते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आपको नेटविंस भी इंस्टॉल करना है। ये अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको आपको एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो आपको इस पर पहले डबल क्लिक करना होगा, फिर ये मेरी पाथ कहीं और है तो इसको छोड़ के यस करता हूँ मैं। अब आपको रिफ्रेश करना होगा और ये देखिए खुलना स्टार्ट हो गया है। अब देख सकते हैं ये खुलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए खुल चुका है हमारा और आप देख सकते हैं ये खुल गया। अब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट का नाम आपको रखना होगा हेलो। हेलो वर्ल्ड। और मेन क्लास ये खुद ही बना के दे देगा, टिक लगा के रखना है आपको उस पर और फिनिश पे क्लिक कर देना है। और ये पाथ आपको ऐसे डिफॉल्ट रहने देनी है। तो अभी मेरे लिए बना रहा है, तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है मेरा। कोडिंग कर दी है इसने थोड़ी सी। अब आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने के लिए तो आपको रहा इसको हटा के लिखना होगा सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और फिर आपको ब्रैकेट बनानी होगी, फिर ब्रैकेट में ये और आपको जो प्रिंट करवाना है वो लिखवाना होगा हेलो वर्ल्ड। मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, फिर आपको लास्ट में ये लगाना होगा। और ये एक एरर है, इसको दे देते हैं। वो आपको इंपोर्ट करना होगा, ये आप उसको इंपोर्ट कर दीजिए। ये इंपोर्ट हो चुका है, अभी आपको इसको बड़ा करना होगा सिस्टम। अब आप देख सकते हैं, अब आप इसको रन करवाइए। और सिर्फ F6 दबा के भी आप इसको रन करवा सकते हैं। .com है तो आप देख सकते हैं ये रन हो गया है और एक भी एरर नहीं आया। इसी तरह आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैं प्रिंट करवा देता हूँ नितिन, हेलो नितिन। देखिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने ये हटा दिया था, फिर आपको वापस से शिफ्ट F6 दबाना है। और देखिए हेलो नितिन हो गया प्रिंट। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, नहीं तो सब्सक्राइब का कोई मतलब ही नहीं रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।